हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी ब्रोकली और शिमला मिर्च और गाजर इन सभी सब्जियों को मिक्स कर एक सब्ज़ी बनाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। तो इसके लिए एक ब्रोकली ले ली हूँ, एक ये बंद गोभी है और 3 गाजर, 2 शिमला मिर्च और 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च ली हूँ। सब्ज़ी आप अपनी मनपसंद कोई भी ले लें। इसमें मेन सब्ज़ी ब्रोकली है, आप चाहें तो इसमें गाजर और शिमला मिर्च डालें या फिर बिना डाले भी बना सकते हैं। उसके बाद प्याज डाल देंगे एक थोड़े बड़े साइज का, और बंद गोभी को मैं इस तरह से छील ली हूँ और सभी सब्जियों को इस तरह से काट कर रख लेंगे। सभी सब्जियों को छोटी छोटे टुकड़ों में काट कर रख ली हूँ। उसके बाद गैस ऑन कर ली, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। मैं इन सब्जियों में कम तेल का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच तेल डाल दी हूँ। उसके बाद 1/2 टीस्पून जीरा, 2 लाल मिर्च को 2 टुकड़ा कर दी हूँ और 1 तेज़पत्ता डाल देंगे और इन सभी को तरकने देंगे। उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। जब ये अच्छी तरह से तरक जाएगा फिर प्याज डाल दें। तो तरक चुका है, अब प्याज डाल रही हूँ। प्याज को थोड़े लंबे स्लाइस में काटी हूँ, आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं। इस सब्जी में ज़्यादा बारीक काटने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लंबे स्लाइस में काटेंगे तो सब्जियां अच्छी बनेंगी। तो प्याज डालकर प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देंगे। उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। इस सब्जी में मैं ज़्यादा मसाले का यूज नहीं कर रही हूँ, कम मसाले में ही इसको बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस इतना ही करना है। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर डालेंगे, और लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालें या उससे भी कम। मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च भी डाली हूँ और सूखी लाल मिर्च भी डाली हूँ इसलिए। और उसके बाद डालकर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे वरना मसाले जल जाएंगे। बस अच्छे से सूखे मसाले को मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे। तो 2 टमाटर था, टमाटर को अच्छे से काट कर रख ली हूँ, उसके बाद इसमें डाल दी। टमाटर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो 1 चम्मच नमक का यूज कर रही हूँ। तो नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए टमाटर को ढक दें ताकि और जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। उसके बाद अब हम इसमें ग्रीन सब्जियां डाल देंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रोकली डाल दी हूँ, उसके बाद सभी को एक साथ ही डाल देंगे। सब्जियों को ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक साथ ही सभी सब्जियों को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक देंगे। 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुका है, अब इसको चेक कर लेते हैं। लो फ्लेम पर ही इसको ढकेंगे। देखिए, सब्जियां हमारी ज़्यादा पानी नहीं छोड़ी है, तो इसमें 2-3 चम्मच पानी का यूज आप इस समय कर सकते हैं। उसके बाद इसको फिर से ढक देंगे। तो इसी तरह से 3-4 बार इसको थोड़ा थोड़ा 3-3, 4-4 मिनट के अंतर पर ढक ढक कर इसको पकाएं। और बीच में 3-4 मिनट के बाद एक बार ज़रूर चलाएं ताकि जले नहीं सब्जियां हमारी। तो इस तरह से मैं 2-3 बार इस तरह से ढकी हूँ। इस तरह से 2-3 बार इसको ढक ढक कर इसको पका लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी का यूज कर रही हूँ, बस 2-3 चम्मच ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2-3 चम्मच पानी का यूज करें जिससे कि सब्जियाँ और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमारी सब्जियाँ अच्छे से पकी नहीं हैं। इसलिए देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, थोड़ा टाइट है गाजर, तो यहाँ पे हम 2-3 चम्मच पानी का यूज करेंगे। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हम सूखी सब्जी बना रहे हैं, बस 2-3 चम्मच ही डाल रही हूँ। तो डालकर उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के बाद ये हमारी सब्जियाँ पककर तैयार हो जाएंगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।
देखिए अब अच्छे से सब्जी हमारी पक चुकी हैं, तो थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर लें और इसे सर्व करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और कमेंट ज़रूर करें। देखिए बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी ब्रोकली की सब्ज़ी बनकर तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।